नमस्कार दोस्तों, आपका क्यों और कैसे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एरोप्लेन के पीछे सफ़ेद लाइन क्यों और कैसे बनती है। तो कई बार आप लोग आसमान से गुजरने वाले एरोप्लेन को जरूर देखते होंगे। तो कभी ना कभी आपने ये तो जरूर देखा होगा कि एरोप्लेन के पीछे लंबी लंबी सफ़ेद लकीर क्यों बनती रहती है, जो कुछ समय बाद दिखाई देना बंद हो जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये सफ़ेद लकीर क्या है और क्यों और कैसे बनती है और थोड़ी देर बाद कहाँ चली जाती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एरोप्लेन हमेशा धरती से 8 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर यानी कि 24,000 फुट से लेकर 36,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ते हैं और इतनी ऊंचाई पर तापमान हमेशा माइनस में रहता है और इतनी ऊंचाई पर तापमान -4 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। और ये आपको तो पता होगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी की बर्फ बनने लग जाती है तो -4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा। देखिए, आप लोगों को ये तो जरूर पता होगा कि सभी इंजनों की तरह एरोप्लेन के इंजन भी गैस को अंदर खींचते रहते हैं और एग्जॉस्ट गैस को बाहर छोड़ते रहते हैं। जैसे ही एरोप्लेन के इंजन से ये एग्जॉस्ट गैसें बाहर निकलती रहती हैं तो -4 डिग्री सेल्सियस पर एकदम से बर्फ़ के छोटे छोटे कणों में बदल जाती है और एरोप्लेन के इंजन से एग्जॉस्ट गैसें बहुत ज़्यादा मात्रा में लगातार निकलती रहती हैं और बर्फ़ के कणों में लगातार बदलती रहती है, जो हमें एक सफ़ेद लकीर की तरह दिखाई देती है और इस सफ़ेद लकीर को कॉन्ट्रेल कहा जाता है। और आप लोगों को ये भी देखा होगा कि कई बार तो ये सफ़ेद लकीर काफ़ी देर तक मौजूद रहती है तो कई बार ये जल्दी ही दिखाई देना बंद हो जाती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है और वहाँ कितनी ठंड है और कितनी नमी है। अगर एरोप्लेन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा है और वहाँ ज़्यादा ठंड है या ज़्यादा नमी है तो ये सफ़ेद लकीर बहुत ज़्यादा देर तक मौजूद रहती है। लेकिन एरोप्लेन कम ऊंचाई पर उड़ रहा है और वहाँ नमी कम है तो ये सफ़ेद लकीर आपको साथ साथ में दिखाई देना बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि एरोप्लेन के पीछे सफ़ेद लाइन क्यों और कैसे बनती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली ऐसे ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले देखने और सुनने को मिल सके। धन्यवाद।